वेल्थ क्रिएशन जो भी प्रॉपर्टी से हुई। हाँ, जॉब से तो खाली मैं जो महीने का खर्चा वो चल रहा है। वापस और इस ऑल अबाउट अल्टरनेटिव को लेके है कि मतलब जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के लुक में फंसे हैं। रियल एस्टेट से पहले मैंने एक काम और भी किया था अपना। नहीं, करोलबाग में मैं जब सबसे पहले आया तो उस दिन ब्रोकर से टकराना पड़ा सबसे पहले तो रियल एस्टेट का, तो वहीं से पता चल गया था कि क्या काम होता है। तो आपने ये बताइए कि आपका वाजिरा में फर्स्ट क्लास जो था वो कौन से सब्जेक्ट पे? डेड होना शुरू हो जाता है। ऑप्शनल था मेरा PSIR। 100-150 बच्चे लाइन में खड़े हैं पहले से, मतलब उनको कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि लाइन लगानी पड़ेगी, या जैसे जैसे आते गए वैसे लाइन लगती गई। तो सबसे ज़्यादा ब्लंडर भी यही हुआ। देखो वैसे 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि आप पेरेंटल प्रेशर नहीं था। देखो जैसे मैंने UPSC स्किप कर दिया था उसके बाद लगभग मैं बैठा 6 महीने घर, मतलब मैंने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। उसके बाद रियल इस्टेट से पहले मैंने एक काम और भी किया था अपना, मैंने कैसे मतलब मेरे को था कि फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता था, ऐसे मतलब फैसिनेटिंग लगता था। तो अभी उसके बाद फिर मैंने लगभग पिछले 1.5 साल से प्रॉपर्टी का शुरू किया है। हाँ, इससे पहले जो फूड ट्रक था उसका नाम हमने से बेनीज कार्ट रखा था। ऐसे पर्सनली बताऊँ अपना, तुम थोड़ा आराम परस्त आदमी हूँ। हाँ, हालांकि मतलब मेरा मन करता है ऐसे आराम करने का, लेकिन फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आराम करना। तो तीन ही चीज़ें चाहिए। नहीं, एस्पिरेंट के लिए एक बार तो देखो, ये तो यूँ मान लो UPSC एस्पिरेंट के लिए तो मक्का मदीना ही है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा कि आप दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हो एक साथ। टॉप 3 लर्निंग्स आपकी UPSC जर्नी से क्या देना चाहोगे? हे गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट? पापा सॉरी? यस, पापा सॉरी। इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन इज डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट। सो गाइस, today we have with us very special guest guys whose name is Ashish Beniwal, and guys jaan to aaj this podcast mein kaafi exciting hone wala hai. Ye podcast exciting isliye hone wala hai kyunki brother ka journey kaafi exciting hai. Is podcast mein hum log UPSC ka journey cover karenge brother ka, aur UPSC ka preparation ke baad ka alternative par discussion is video mein kaafi detail mein hone wala hai. Ashish bro, welcome on Papa's Talk. Thank you bro. Kaise ho brother? Main ekdam badhiya, aap kaise ho? Main bhi badhiya hoon brother. तो ब्रदर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपका रूटीन जानना चाह रहा था मैं, कि यस्टरडे का रूटीन, आपका जो अभी प्रेजेंट बिजनेस आप कर रहे, उस बिजनेस में प्रेजेंट का रूटीन कैसा था? डेली रूटीन्स मीन्स यस्टरडे का बता दो, जैसा आपका यस्टरडे वाला था। मॉर्निंग में अप्रोक्स मैं 6 से 7 के बीच में उठता हूँ, और उसके बाद फ्रेशन अप होके और ब्रेकफास्ट करके लगभग ऑफिस के लिए निकलता हूँ घर से 9:30 बजे के आसपास। 9:30? हाँ, और लगभग 10 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, और बेसिकली रियल इस्टेट में काम भी जो है ऑलमोस्ट 10 बजे से ही शुरू होता है। उसके बाद 10 बजे ऑफिस पहुँच के पहले फिर मतलब पूजा वूजा करके ऑफिस में सेटअप करके चीज़ें, फिर बैठते हैं तो देखते हैं जैसे मतलब हमारी ऑनलाइन जो लीड जनरेट हुई है रात को जो भी, उनके ऊपर काम करते हैं। और उसके बाद दिन का यही रूटीन रहता है, मतलब क्लाइंट से मिलना, कोई प्रॉपर्टी विजिट, और कस्टमर्स को कॉलिंग करना, तो बेसिकली यही है। उसके बाद लगभग शाम को 6 बजे तक ऑफिस रहता है, क्योंकि 6 बजे के बाद आप मतलब पर्सन टू पर्सन ज़्यादा कॉल नहीं कर सकते किसी को, ना पर्सनल स्पेस में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो रियल इस्टेट का ये सबसे बेस्ट है कि आपको टाइम मतलब जोन जो मिलता है काम करने के लिए, उस सबसे ऐसे लुक्रेटिव और सबसे अच्छा है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद लगभग शाम को 6 बजे के बाद फ्री होते हैं, फिर तो घर चले जाते हैं। मैं अब आपसे आपकी जर्नी डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो आपकी जर्नी रही है UPSC एस्पिरेंट वाली जर्नी, और तो उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आशीष ब्रो, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, मतलब 10th आपने कहाँ से किया था? स्कूलिंग मेरा देखो मतलब बहुत जैसे हम फोर्स बैकग्राउंड से हैं, फादर जो है फोर्स में थे। ओके। वो BSF में थे एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो उसके बाद मतलब स्कूलिंग जो है बहुत सारी अलग अलग जगह से हुई है, जैसे मेरी मतलब 6 से लेके 10 तक हुई मेरी KV में, KV एनर्जी मानेसर में। 10th के बाद फिर वहाँ से फादर की पोस्टिंग हो गई थी तो हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद जो है 11th-12th मैंने की गुड़गांव के प्राइवेट ब्लू बेल स्कूल से। कौन सा स्कूल? ब्लू बेल्स। हाँ। उसके बाद 12th के बाद दोबारा कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी हो गई थी, जैसे फादर फोर्स में थे ऑन ड्यूटी और दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी,
तो उनकी टेक केयर करने के लिए उनको मतलब हॉस्पिटल के रेगुलर विजिट्स होते थे, इसलिए फिर हमने दोबारा शिफ्ट कर लिया था हिसार अपने होम टाउन में। वो 2 साल मैं उनके साथ रहा वहाँ पे, तो ग्रेजुएशन भी मेरी वहीं से हुई हिसार से। हाँ, उसके बाद जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई उसके बाद 2019 में मैं आया था दिल्ली करोलबाग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था कंप्लीट? ग्रेजुएशन हुआ था मेरा 2018 में, ओके, एंड आप दिल्ली कब आए? दिल्ली आया मैं 2019 में। 2018 में। तो ब्रदर, यही है कि मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू यूपीएससी एस्पिरेंट ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं निकालना चाह रहा हूँ आपकी जर्नी से। तो जैसे आप 2019 में आप दिल्ली गए रहे, तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब आप क्या सोच रहे थे, मतलब फर्स्ट थॉट कब आया था यूपीएससी के बारे में कि मुझे यूपीएससी एज ए करियर परस्यू करना चाहिए, मतलब देखो, जब फर्स्ट थॉट कब आया था आपके आपके ग्रेज लाइफ में, फर्स्ट थॉट? फर्स्ट थॉट मेरे को आया था जब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के मैं सेकंड ईयर में था, तो मतलब जैसे प्रॉपर्टीज के कुछ ना पेपर वर्क था, तो उसके लिए मैं जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता था, तो वहाँ जितने चक्कर काटे, मतलब जो ऐसे कर्मचारी चक्कर कटवाते थे, तो उन्होंने इतना ऐसे मतलब परेशान कर लिया था, तब यूँ हो गया था कि यार ऐसा क्या है सिविल सर्वेंट को, मतलब मिलने भी नहीं दे रहे उनसे, अच्छे मतलब ऐसा मतलब ना काम करके देते हैं, नीचे वाले अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से उस टाइम बहुत परेशान हो गया था। तब यूँ पता चला था कि ये ऑफिस है किसी का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और वही ऐसे मतलब मेन मालिक है यहाँ का और जिले का भी। तब मेरे को ऐसे ऑलमोस्ट जब मैं सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन के, तब ओके, मेरे को मतलब पता था उससे पहले भी, लेकिन तब यूँ लगा कि यार ये हमें भी होना चाहिए, मतलब जिस हिसाब की आप परेशानी हो जो रही है। फेस किया आपने इशू, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू फेस करने के बाद आपको लगा कि क्या है सिविल सर्वेंट लाइफ, ये अरे हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए, तो बिल्कुल। आपने वैसा फर्स्ट थॉट आपका उस टाइम आया था राइट? आप 2019 में दिल्ली आए, तो आप वहीं पे रहे थे, करोलबाग में रहते, कहाँ रहे थे आप? सबसे पहले 2019 में मैं दिल्ली आया, तब मैंने करोलबाग में ही रहा था, सब ज्वाइन किए थे मैंने क्लासेस बाजी राम एंड रवि में। अच्छा, तो 2019 में जो मई जून का बैच था, ऑलमोस्ट वो 15 मई से शुरू हुआ था, तो अच्छा। वो बैच मैंने ज्वाइन किया था। तो ब्रदर, आप आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, मतलब कि आप व्हाई योर चूजिंग वाजीराम, मतलब आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया? वाजीराम एक्चुअली फादर जो है खुद वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट रह चुके हैं पहले, तो वाह, वो मतलब खुद उन्होंने मतलब पूसा रोड के ऊपर ही रह के और उन्होंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम। उस टाइम तो वाजीराम था, लेकिन उन्होंने मतलब कोई और इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया था, और उनकी बायोटेक्निकल वो थी डिपार्टमेंट, मतलब जो उनकी ग्रेजुएशन थी, तो वो भी उन्होंने वहीं से की थी। करोड़ एरिया से। हाँ, तो उनका काफ़ी रेगुलर विजिट्स थे वहाँ पे, वहीं पे रह के उन्होंने फिर मतलब अपनी प्रिपरेशन की थी, तो उन्होंने गाइड किया था कि मतलब हब तो यूपीएससी का करोल करोड़ बाग ही है। है, उन्होंने ही सजेशन किया था आपके फादर ने कि उन्होंने सजेशन किया था, बाकी बातों बातों में जब ऐसे कभी बात होती भी थी तो उनसे ही मतलब उनका भी ऐसा ना मन था सिविल अच्छा। सर्विस ज्वाइन करने का। हालांकि उन्होंने एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम भी दिया था, डैड ने हाँ डैड ने दिया था, और उनकी सेकंड रैंक आई थी, क्या बात कर रहे हो, वाह यार, सेकेंड रैंक आई थी, लेकिन इंटरव्यू के टाइम मतलब उस टाइम तो गवर्नमेंट जैसे थी इनेलो की थी, तो मतलब यूं था कि इंटरव्यू के टाइम उनको किसी ने बताया था कि यार सिलेक्शन होने हैं, 5 ही सीटें थी उस टाइम, अच्छा तो उनका फूड इंस्पेक्टर में हो रहा था, हाँ, तो उस टाइम ऐसा बताया था कि यार इंटरव्यू में तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, तुमको ऑलमोस्ट 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब देखो रैंक सेकेंड आई है उसके बाद भी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे तब जाके आपका इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, नहीं तो जो ओके, बोर्ड मेंबर था उसी में से कोई एक उनका रिलेटिव था, उसका बोला कि सिलेक्शन हो जाएगा, और वो अंदर के किसी आदमी ने इनको बता दिया था। आपको डैड हाँ, लेकिन डैड यूं था कि यार मतलब मेहनत करके मैं लगाऊं तो पैसे तो मैं नहीं दूंगा, हालांकि अच्छा उस टाइम मतलब इतने थे कैपेबल कि पैसे दे सकते थे, दादाजी ने बोला भी कि यार लग रहे हैं नौकरी इतनी अच्छी बढ़िया मिल रही है तो, लेकिन लेकिन इन्होंने दिया नहीं, कोर्ट केस वगैरह भी किया, लेकिन उससे भी कुछ ऐसा खास हासिल हुआ नहीं। तो मतलब रैंक लाने के बाद भी, मतलब तो रैंक लाने के आपको बाद डैड ही ज्वाइन, हरियाणा की मतलब हरियाणा में सेकंड रैंक थी इनकी। ऐसा भी होता है, काफी यूनिक जर्नी था भाई आपके डैड की। तो फिर उन्हीं से ही ऐसे मतलब वो मतलब सुनते थे कि यार सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए, उनका एक सपना था, हालांकि मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टेड या ऐसे बचपन से मतलब कीन नहीं था कि मेरे को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, बट उनके एक मन के लिए और फिर मतलब जो मैंने देखा आसपास का माहौल, उस हिसाब से ही हुआ कि यार एक बार तो मतलब एटलीस्ट अटेम्प्ट देना ही चाहिए। तो आशीष ब्रो, जैसे आपने बताया कि 2019 में आप दिल्ली गए थे, करोलबाग में रहे थे, तो आप करोलबाग में क्या पेरेंट्स के साथ रहते थे कि मतलब कोई पीजी लिया था या फ्लैट में, कहाँ कैसे रहते थे?
नहीं, करोलबाग में मैं जब सबसे पहले आया तो उस दिन ब्रोकर से टकराना पड़ा सबसे पहले तो रियल इस्टेट का तो वहीं से पता चल गया था कि क्या काम होता है सही। तो ब्रोकर से टकराया, उन्होंने ऐसे पहले पूरा चक्कर तो आप कटवाया। डैड के साथ गए थे क्या, अकेले गए थे? अच्छा नहीं, मैं मदर और एक भाई है मेरे, ताऊजी के लड़के बड़े अच्छा भाई हैं, तो वो छोड़ के आए थे, गाड़ी में ले गए थे सामान। हाँ तो उस टाइम तो फिर ब्रोकर ने चक्कर कटवाया, कभी कुछ कमरा दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है ओआरएन में, बट पसंद नहीं आया। फिर लास्ट में उसको ऐसे वही है, थोड़ा सा ठोक बजा के बोलना पड़ा कि भाई ऐसा रहने लायक कमरा चाहिए इस टाइप से। फिर उसने एक रेगरपुरा में बताया था, अच्छा हाँ वहाँ पे अच्छा नया बना हुआ पीजी था, तो मैं एक मतलब वहीं उसके बाद ही वो दोस्त बना जिसके साथ में रहता था रूम शेयरिंग में, तो लादे दत्ता उनका नाम था, वो वहाँ से महाराष्ट्र से थे। हाँ तो मतलब रूम शेयरिंग में रहते थे पीजी में। पीजी में रहते थे। तो आप सेम डे पीजी ले लिए थे कि आपने मतलब? नहीं, सेम डे जैसे गया था सुबह मॉर्निंग में एडमिशन करवाया, हाँ और एडमिशन करवाते ही शाम को 4 बजे के आसपास फ्री हुए वहाँ से, फिर उसके बाद रूम देखने शुरू किए 6 बजे तक, फिर 2-3 घंटे में आपने दो तीन पीजी घंटे ले लिया था। ब्रदर आप ये बताओ कि जो एस्पिरेंट है वो एस्पिरेंट को मतलब पीजी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्या? पीजी के लिए। वहाँ देखो हम तो फिर भी थोड़ा जैसा मतलब हरियाणा में है तो दिल्ली तो आना जाना लगा रहता था, तो लोकल टाइप का फील आती है। एक्सपोजर आता है। हाँ एक्सपोजर है यहाँ का, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमको दूसरे शहर आए हैं, क्योंकि मतलब गुड़गांव में भी रहे, दिल्ली ऐसे आना जाना है काफ़ी, मतलब रिश्तेदारियाँ भी है और फ्रेंड सर्कल भी है, तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई बाहर से आए। लेकिन कोई बंदा बाहर से आ रहा है दूर स्टेट से, तो उसको थोड़ा सा एक बार लगता है शुरू में कि यार बाहर आ गए हैं और मतलब कैसे मैनेज होगा। और जो ब्रोकर भी वैसे तेज होते हैं देखो, वहां का हाँ ओवरहेड वाला ब्रोकर भी और मतलब लोकल लोग जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, सबको पता है कि बाहर से आया हुआ है, तो शुरू शुरू में एक बार मजबूरी का फायदा उठाते ही लोग। उठाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, तो आपने एडमिशन लेने के बाद ही आपके 1-2 दिन के बाद कोचिंग स्टार्ट हो गया था आपका? हाँ मैं कोचिंग स्टार्ट एडमिशन लिया, उसके लगभग 4-5 दिन बाद से क्लासेस शुरू हो गई थी, तो वही मैं 4-5 दिन पहले गया था थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए और आसपास की चीज़ें पता चल जाए। तो बाकी मैं पीजी देखा भी इसी हिसाब से था कि क्लास से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो, अच्छा, हार्डली 10 मिनट लगते थे वॉकिंग डिस्टेंस के लिए। तो आप मुझे अब यूपीएससी का रियल एक्सपीरियंसेस बताइए, और आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि एकदम रॉ एक्सपीरियंसेस रहेगा। नहीं एक्सपीरियंस बिल्कुल रो जेन्युइन रहेगा मतलब ये तो, और जो भी एक बार बंदा जाता है ओआरएन करोलबाग मतलब प्रिपरेशन करने जाता है मुखर्जी नगर भी, तो लगभग एक्सपीरियंस सबका सेम ही आ जाता है, मतलब सेम पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है बट वहाँ का माहौल और जो स्ट्रगल्स है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, सेम सेम। रहेंगे। तो आपने ये बताइए कि आपका वाजिरा में फर्स्ट क्लास जो था वो कौन से सब्जेक्ट पे था? वाजीराम का फर्स्ट डे तो इंट्रोडक्शन था, वो जो डायरेक्टर सर खुद थे रविंद्रन, मिस्टर रविंद्रन खुद ही आए थे इंट्रोडक्शन के लिए। बाकी उसके बाद उसी उन्होंने शेड्यूल दे दिया था, वीकली टू वीकली ऐसे शेड्यूल दे देते थे पूरी वीक का पहले ही, ये आपकी किस दिन कौन सी क्लास होगी। तो उसके बाद आई गेस सेकेंड क्लास मेरी इकोनॉमिक्स की थी, तो इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड क्लास इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से शुरू हुई थी। कौन से टीचर थे? हाँ इकोनॉमिक्स के टीचर थे मिस्टर विभास झा। यूपीएससी का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, तो आपने ये जर्नी जो स्टार्ट किया वो मतलब आपका रूटीन जाना चाह रहा हूँ। यूपीएससी के दौरान जो आपने फॉलो किया था, यूपीएससी पीक कोचिंग के टाइम में आपको कितना टाइम मिल पाता था, और कितना मतलब कि कैसा मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट किया उस देखो सबसे मतलब मेरे को बेनिफिट ये रहा कि मेरे फर्स्ट मंथ का ही बताइए, जो फर्स्ट मंथ जो कोचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस रहा रूटीन्स में। फर्स्ट मंथ का रूटीन में मतलब मैं बताता हूँ आपको, सबसे अच्छा तो यही था कि जैसे फादर ने प्रिपरेशन की थी तो मतलब रूटीन की गाइडेंस तो उन्हीं से मिल गई थी, इसीलिए बैच काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन मैंने प्रेफरेंस जो दी वो थी मॉर्निंग के बैच को। हाँ क्योंकि कई लोग तो शाम का बैच भी लेते थे, तो लेकिन यूँ है कि मॉर्निंग में आप सुबह सुबह फ्रेश उठते हो तो आप पूरा कंसनट्रेट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद तो फिर आपको लाइब्रेरी में आप घर बैठ के खुद पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप कहाँ पढ़ते थे, अपने पीजी वाले रूम में कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? इनिशियल 3 महीने मतलब मेरे को लाइब्रेरी का उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं एक्चुअली मेरे जो रूम पार्टनर था उन्होंने लाइब्रेरी लगा ली थी, तो फिर जो रूम था वो मेरे लिए लाइब्रेरी जैसा ही था, खाली हाँ खाली था, तो 3 महीने मैंने वहीं पे पढ़ा। लेकिन वहाँ के साथ जो मतलब दिक्कत ये आई कि जब ऐसे चेयर के साइड में बैठ देखते हैं तो ऐसे 2 घंटे बाद जैसे थोड़ा सा लगता है कि थकान हो गई है, चेयर से उठ के बेड पे बैठे लेट गए, फिर वो वहाँ से मतलब मान लो आदमी डेड होना शुरू हो जाता है। तो सबसे मेन तो यही है कि आदमी को बेड से दूर रहना चाहिए। एक बार अगर यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी हो सुबह मॉर्निंग में उठ गया तो वो रात को जब तक वो सोएगा तभी वो बेड पे जाएगा, दोबारा अगर बेड के पास जा रहा है फिर बहुत दिक्कत है।
हाँ रूटीन्स फॉलो नहीं कर पाओ रूटीन नहीं, उसको, मतलब एक बार आप बेड पे लेटे तो आपका आधा एक घंटा कैसे चला जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप बेड पे नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग बिल्कुल, एक बार आप कोई भी मॉर्निंग में, हाँ मतलब एक बार उठ गए फिर दोबारा आप सो नहीं जाओगे बीच में, मतलब रेस्ट करने वाला सब, हालांकि यंग जनरेशन के लाइफ में तो कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए कि रेस्ट करना है। चीज। ब्रो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने यूपीएससी में तो ऑप्शनल भी चूज करना पड़ता है, तो आपके ऑप्शन चूज करने के लिए आपने थॉट प्रोसेस आपने कैसे थे, मतलब कि क्यों चूज किया जो आपने, कौन सा ऑप्शन था आपका? ऑप्शनल था मेरा PSIR, वाओ हाँ काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट काफी है इंटरेस्टिंग ये। सब्जेक्ट है, हालांकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही हुई थी। अच्छा हाँ तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, बाकी मतलब जब मैंने सोचा था सेकंड ईयर के बाद ही UPSC की तैयारी शुरू करेंगे तब थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दिया था। उससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस तो ग्रेजुएशन में ले ली थी, और उसके बाद सब्जेक्ट्स पर थोड़ा रिसर्च किया, बुक्स वगैरह देखी, तो सबसे डायनामिक और सही यही लगा, क्योंकि हरियाणा में वैसे भी हमारे मतलब आम बातचीत में भी राजनीति की बातें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ अच्छा से ऐसे मतलब को रिलेट कर पा रहे थे चीज़ों को। काफी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिले होंगे आपको ऑप्शनल में बिल्कुल ये। बिल्कुल, तो या आपने ऑप्शनल का कोचिंग कहाँ से लिया था आपने? ऑप्शनल का भी मैंने वाजीराम से ही ज्वाइन कर लिया था, वो भी मतलब इनिशियल डेज में ही उनसे एडमिशन ले लिया था उसके लिए, पर वो एक्सपीरियंस मेरा मतलब मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा, क्योंकि ऑप्शनल वाला हाँ क्योंकि वाजीराम के बजाय वहाँ जाके पता चला बेसिकली तो कि ऑप्शनल के लिए तो फिर जैसे सुब्रारंजन का है मैम हाँ तो वही बेस्ट है, वो फेमस थी ये वो सही कह रहे। फेमस भी थी, और मतलब उसके बाद मैंने उनकी वाजीराम से लेने के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने और एक फ्रेंड ने मिल के ली थी शुभ्रा सुब्रमण्यम मैम की, तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि इनका कंटेंट ज़्यादा बेटर था वाजीराम से। मतलब आप मतलब गुरुग्राम तो दिल्ली से पास है, उसके बाद भी आपने जो ऑप्शन का कोचिंग लिया आपने वो गलत ले लिया सर, गलत टीचर से नहीं पढ़ा। उस टाइम तो हम बेसिकली होम टाउन में रहते थे हिसार में, और अच्छा यूपीएससी से रिलेटेड कोई ऐसा पता ही नहीं था क्या लेना है क्या करना है, मतलब सिटी के पास रह के ऑप्शनल का तो आइडिया तो जब आप घुसोगे उसके अंदर तभी पता चल पाएगा है उसमें, ना, आपको आना ही पड़ेगा बिल्कुल मतलब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा टीचर सही है ना। जैसे स्टार्टिंग फेज में आप टाइम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट मंथ का ही एक्सपीरियंस आपसे जानना चाह रहा था। फर्स्ट मंथ का मैं आपको बेसिकली बताता हूँ रूटीन, उससे बेटर समझ आएगा। जैसे सुबह मैं लगभग 6:30-7 बजे उठ जाता था, रेडी होके क्लास शुरू होती थी 8 बजे, और सबसे ख़राब जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ सुबह जाते ही आपका, हालांकि मई जून में वैसे भी गर्मी होती है हाँ तो वो जो 1 घंटा लाइन में लगना है, पहले ओके दिन जब मैं गया ऐसे लाइन देखी, मतलब मैं ऑलमोस्ट मतलब 8 बजे क्लास शुरू होने वाली थी और मैं पहुँचाऊँगा 7:45 बजे के आसपास, ओके मुझे 15 मिनट तो फिर भी मतलब ठीक टाइम है जल्दी जाने का, फिर वहाँ जाके देखा तो ऐसे 100-150 बच्चे लाइन में खड़े हैं पहले से, मतलब उनको कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि लाइन लगानी पड़ेगी, या जैसे जैसे आते गए वैसे लाइन लगती गई, अच्छा तो फर्स्ट तो ऐसा ही हो गया कि यार ऐसे लाइन लग के, फर्स्ट हाँ डे का एक्सपीरियंस बता हाँ रहे हो हाँ हाँ राइट। अच्छा तो मतलब इतनी लंबी लाइन है तो तो आप आदमी, लास्ट में थे लाइन के। मैं लास्ट में था लाइन के, अच्छा मेरे बाद और भी थे लेट लती पर मेरे हिसाब से मैं लेट था तो आप कहाँ पे बैठे क्लासरूम में जब पहुंचे आप? पहले दिन मैं क्लासरूम में बैठा तो लास्ट से थोड़ा सा मतलब मिडिल के बीच में, मिडिल मिडिल से थोड़ा सा वाले पीछे ही। हाँ राइट। तो वो आपका एक्सपीरियंस क्लासरूम का एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लासरूम डे में, आप फर्स्ट डे जब क्लासरूम में गए तो आप किसी से बात किए थे कोई एस्पिरेंट से? नहीं, फर्स्ट डे तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इससे पहले तो देखो जैसे मतलब स्कूल या कॉलेज की क्लासेस गए हैं, हार्डली 40-50 बच्चे होते हैं तो उसमें आपको ऐसा थोड़ा सा फेमिलियर लगता है और छोटा लगता है, बट वहां जाके देखा जब इतने बड़े हॉल में जो ऐसा पार्किंग जैसा लगता है उसमें 500 बच्चे बैठे हैं, 500 हाँ ओके ऑलमोस्ट 500-600 उनकी स्ट्रेंथ होती है एक बैच की, मतलब एक क्लास की, अच्छा तो वो देख के ही मतलब आपको ऐसे पहले दिन ही एहसास हो जाता है कि लॉस्ट इन द ओशन। हाँ लॉस इन द ओशन, मतलब कंपटीशन तो है अच्छा इतने लोग हैं और मतलब करना कैसे है, कितने लोग आ रखे हैं तैयारी के लिए, फिर आपको अपनी ऐसे सीट खाली कैसे क्लासरूम में नहीं आगे भी जब UPSC के लिए भी सीट लेनी है तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी ऐसे काफ़ी ज़्यादा, क्लासरूम के लिए भी स्ट्रगल है आगे और बैठने के लिए और रैंक लाने के लिए जाए स्ट्रगल। जाए। अच्छा 2 दिन आपको रियलाइजेशन हाँ हो उसी दिन गया। रिलाइज हुआ मैं। अच्छा, तो आशीष ब्रो तो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो काफी सही था। अब वही रूटीन्स पे बात कर रहा था, तो आप क्या था मतलब तो तब? रूटीन मेरा ऐसे रहता था, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास शुरू होती थी तो 8 से लेके लगभग 2.5 घंटे की क्लास रहती थी, फिर बीच में आधे घंटे का गैप, ओके फिर उसके बाद ऑप्शनल की क्लासेस शुरू होती थी, अच्छा और उसके बाद मतलब 3 महीने बाद मैंने ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन की थी, और उसके बाद मैंने सी सेट भी ज्वाइन कर ली थी, ये सेम सेम डिग्री में किया था आपने? नहीं सी सेट तो लगभग 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, अच्छा
ऑप्शनल 3 महीने बाद शुरू हुआ था, और जीएस की जो क्लासेस थे वो तो शुरू से शुरू हुई थी। तो सबसे ज्यादा ब्लंडर भी यही हुआ कि मेरी तीन तीन क्लासेस बैक टू बैक चल रही थी। ओके, तीनों क्लास आप मैनेज करते हाँ, हैं तो आप मैनेज करने में काफी दिक्कत होती है वो यही है, फिर आपकी लगभग क्लासरूम की सिटिंग ही 9 घंटे की हो जाती है इन ए डे। ओके इन अ डे। तो मतलब आप बैठे बैठे ही पूरा थक जाते हो, उसके बाद आपको फिर लाइब्रेरी जाके भी पढ़ना है, तो सिटिंग की आदत तो बनती है बट स्ट्रेसफुल तो रहता है, फिर बैठना बैठना ही स्ट्रेसफुल हेलो, है। नहीं तो आप क्या एस्पिरेंट को सजेस्ट करोगे कि तीन क्लास ज्वाइन करना चाहिए उसको? नहीं ये बिल्कुल मतलब गलत है, आप साइमल्टेनियसली 2 क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा वो फिर भी थोड़ा मैनेजेबल है। जब 3 क्लास ज्वाइन कर लोगे तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, तो एक क्लास क्योंकि में तीन क्लास करोगे उसके बाद आपको नए नए हो तो 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर में भी लगेगा, थोड़ा हो अकेले आप तो खाने का भी आपको मैनेज करना है, अपने डेली रूटीन्स है वो भी मैनेज करना है, तो उस हिसाब से फिर आपको जो सेल्फ स्टडी का है, और शुरू शुरू में जब कोई बंदा जाता भी है तो उसको सेल्फ स्टडी की उतनी आदत नहीं होती है, सीटिंग की भी नहीं होती, तो बैठे बैठे वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इनिशियल वो है। तो आप सबसे पहले तो बेस्ट है कि आप जीएस की ज्वाइन करो, जब जीएस का आपका रूटीन सही बन जाए फिर आप एक साथ में ऑप्शनल ले सकते हो या फिर सी सेट ले सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टर कोई एक ले लो हाँ, कोई एक ले लो, 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने बाद। आपके एक्सपीरियंसेस काफी सही थे, मुझे काफी सही लगा। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने कोचिंग कर रहे थे तो उस टाइम आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, मेंस या प्रीलिम्स का कुछ भी? नहीं मैंने पर्टिकुलरली ऐसे मतलब सेपरेट कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था, वाजीराम का ही था, मतलब इनके कोर्स के उस टाइम तो इंटीग्रेटेड था साथ में, कि ऐसे हर 2 महीने के बाद मतलब एक टेस्ट लेते थे ये। लेते प्रीलिम्स हाँ, का लेते थे कि मेंस का? प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का लेते थे। अच्छा, तो आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी में कौन सा ईयर था आपका? पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो 2020 का दिया था। 2020 का दिया था। तो आई थिंक इट वाज पोस्टपोन्ड, राइट? हाँ, वो पोस्टपोन हो गया था, कोविड आ गया कोविड था। आ गया था वो, मतलब ये ऐसा था कि क्लास भी हमारी तो लास्ट की जो लगभग 1-1.5 महीने की थी, हाँ क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी में कोविड आना शुरू हो गया था और मार्च में तो लॉकडाउन लग ही गया था, तो उस टाइम वो क्लासेस भी ऐसा ही था कि आज क्लास लगेगी नहीं लगेगी, तो लास्ट का 1 महीना तो मतलब क्लास को लेके बहुत ही रेगुलेटरी थी। है ना, हाँ, क्योंकि वो लोग शिफ्ट नहीं कर पाए होंगे ना, मतलब शिफ्ट मैनेज नहीं कर मैनेज पाए, नहीं कर पाए, इतना मतलब इतने बच्चे एक साथ हैं, वो तो रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन थे, था मतलब इसलिए। दिल्ली गवर्नमेंट का भी था कि आप एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हो, अच्छा, तो उस वजह से ऐसे तो डेली नई नई आपकी गाइडलाइन आ रही थी, कोचिंग सफर की उस वजह से? लास्ट के 1-1.5 महीने सफर की। ओके, तो आशीष ब्रो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोचिंग ऐसा आप खत्म कर लिए तो जो 2020 का प्रीलिम्स आई थिंक जून में था, वो पोस्टपोन्ड होकर 4 अक्टूबर 2020 अक्टूबर को हुआ था। हाँ, बीच में हो गया। तो आप क्या करोलबाग में थे कि आप होम टाउन आ गए थे? नहीं देखो उस टाइम नए नए एक तो एस्पिरेंट थे, ज़्यादा इतना मतलब आइडिया भी नहीं था क्या करना चाहिए, और घर से दूर भी थे और फैमिलीज भी थोड़ी बरी हो गई थी कोविड को लेके, तो उस समय मतलब थोड़ी बहुत अपनी बुक्स लेके और चला गया था। मतलब पहले इनिशियल जो लॉकडाउन लगा वो 3 महीने का था, क्यों था कि 3 महीने ही रहना है, तो 3 महीने में जितना मेरे को लगता था कि मैं पढ़ सकता हूँ उतनी मैं बुक्स लेके गया था, और फिर फादर एक्चुअली उस टाइम पोस्टेड थे जैसलमेर में, तो वहीं BSF कैंपस में ही रह रहे थे, फैमिली भी वहीं थी, तो मैं जैसलमेर चला गया था। हाँ, तो मतलब सारे मैं सामान लेके? नहीं, वो तो पीजी पे था, खाली अपनी जो बुक्स और थोड़ा बहुत एसेंशियल्स, तो मतलब मेरे को था कि 3 महीने में जितना मैं कोर्स जो कवर कर पाऊंगा मैं ये वाला लेके चलता हूँ, वो स्टडी मटेरियल लेके गया था, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया, तो उस वजह से मतलब एक तो ज़्यादा वो भी नहीं था, एक्सेस नहीं था ऐसे स्टडी मटेरियल को लेके भी, तो और न्यूज़पेपर को एक्सेस नहीं था, तो उसके लिए उसी चक्कर में मैंने जब उस टाइम लिया टैब लिया था, टैबलेट हाँ वो मतलब ऑनलाइन पेपर पढ़ने के लिए, तो और ये वाली दिक्कतें थी, मतलब उस वजह से काफ़ी जो रूटीन था वो पूरा बिगड़ गया था, मतलब और घर जाने के बाद तो आपको वैसे भी उतना मतलब आइसोलेशन और वो माहौल मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, और ऐसे लगभग 1 साल बाद घर गए थे तो यूं भी था थोड़ा कि ऐसे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना। हाँ, तो वो जो जर्नी थी वो बीच में ऐसे मतलब फुल स्टॉप सा उसमें बैरियर आ गया था, और वो फिर पहले अटेम्प्ट के लिए थे काफ़ी डेंजरस साबित हुआ, तो जब उसको आप मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अब जब आपका 4 अक्टूबर को पेपर था तो जिन्हें पेपर देने जा रहे थे 4 अक्टूबर को, तो आपका सेंटर कहाँ 4 अक्टूबर को मेरा सेंटर आया था दिल्ली में उत्तम नगर में, उत्तम नगर में? तो आप उस टाइम कहाँ रहते थे? उस टाइम एक्चुअली लॉकडाउन था, 3 महीने का था, उसके बाद 3 महीने और एक्सटेंड हुआ, 6 महीने का लॉकडाउन के बाद खुला, तो मैं दोबारा पीजी आया, पीजी में मैं लगभग 1 महीना रहा, हाँ फिर वहाँ से यही था जो आसपास के मतलब जो दोस्त थे पीजी वाले सब लोग शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि मतलब मेन मकसद तो पीजी में रहने का था, क्लास के नज़दीक रहना,
जब क्लास ए खत्म हो गई थी तो पीजी इतने महंगे में रहने का मतलब नहीं था। तो उसके बाद सबने ऐसे, कोई घर शिफ्ट हो गया, कोई ऐसे पटेल नगर में रूम लेके रहने लगे। तो उस टाइम और बाहर मतलब कोविड का तो थोड़ा फियर था ही, क्योंकि अच्छा मतलब सब कुछ नया था उस टाइम, तो आज तक पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तो फिर मैंने जो BSF कैंपस है साउथ दिल्ली साकेत के पास, तो फादर ने वहाँ बात की थी, वहाँ पे एक हॉस्टल है मतलब BSF के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फैमिली बच्चों के लिए। फिर अच्छा मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया था, वहाँ अच्छा था, एक अपना पर्सनल रूम था, आइसोलेशन था, तो वो टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ी मतलब वहाँ स्टडी अच्छी हुई थी, लेकिन उस टाइम तक तो फिर अटैम्प्ट देने का टाइम आ। फिर प्रीलिम्स का पेपर दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो पेपर देने के बाद आपको ऐसा क्या मिस्टेक्स रियलाइज हुए? 3 मिस्टेक्स आप बता सकते हो कि देखो मुझे नहीं करना चाहिए था, एक तो मतलब मैंने अटेम्प्ट देना चाहिए था मतलब क्या? नहीं, अटेम्प्ट तो एक्चुअली मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है, और हमारे वाले में तो मतलब जिस टाइम पे मैंने दिया उस टाइम तो मतलब सबके इंट्रेंस आई गई थी कोरोना की वजह से, और वैसे भी तो परेशानियां तो सबको थी, बट फॉर्म फिल कर दिया था। तो यूं था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको एज ए एक्सपीरियंस ले लेते हैं, मतलब पेपर के एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि कैसा आता है, इसलिए फिर मैंने मतलब स्किप नहीं किया उसको, अटेम्प्ट दे के आपने आया दे था। दिया, हाँ सही सही। नहीं तो काफी एस्पिरेंट कॉशियसली अटेम्प्ट देते हैं और अवॉइड कर देते हैं वहां। अवॉइड करते हैं, बट मतलब एक अटेम्प्ट देखो, वैसे 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, या 6 अटेम्प्ट में आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो और कहाँ पे जाने वाले हो, ठीक है। मतलब वैसे तो पहले 2 अटेम्प्ट में या फिर जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तभी आपको आसपास का माहौल देख के ऐसे समझ आने लग जाता है कि मैं किस राह पे हूँ, कितने मतलब कहाँ तक जा सकता हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा यही था कि चलो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है एक बार एग्जाम का तो देना चाहिए, तो इसलिए दे दिया था। दिया हाँ वो दे दिया था। तो आपका सेकंड अटेम्प्ट आपने कर दिया सेकेंड एंड फिर मैंने नेक्स्ट ईयर ही दिया था, 21 में। 21 एंड आपका लास्ट अटेम्प्ट कब था? लास्ट अटेम्प्ट फिर मैंने 22 में दिया था, 22 में दिया। 22 मतलब कंटिन्यूअस ऐसे 3 साल दिया था। 3 साल आपने 3 अटेम्प्ट दिए रहे, अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट तीन था? तीन अटेम्प्ट दिए, देखो तीनों में तो प्री क्लियर नहीं हुआ, और जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैं मतलब कट ऑफ के काफ़ी पास चला गया था। अच्छा हाँ लेकिन वो मतलब बेस्ट टाइम था क्योंकि वहाँ आइसोलेशन में था, पढ़ाई अच्छी हुई थी, बट कहाँ कमियाँ रही वो ज़्यादा एनालाइज तो मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो माहौल था करोलबाग या ORN में रह के जो माहौल था आसपास का उससे थोड़ा दूर हो गया था, क्योंकि यहाँ आ गए थे आइसोलेशन में, यहाँ ऐसा था एक बंद कमरा है, 4-5 दोस्त हैं पीएसएफ कैंप में। BSF कैंप में, अच्छा और मतलब वैसे दोस्त मेरे साथ में वो भी प्रिपरेशन करने वाले थे, पर हम 4-5 बंदों का ग्रुप बन के रह गया था, तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप प्रोग्रेस कितनी कर रहे हो, मतलब जब तक आप कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा आप स्टैंड कहाँ करते हो। तो ये एक मिस्टेक हो सकती है, बाकी मेहनत काफ़ी अच्छी करी थी उस टाइम, और वो प्री मतलब कट ऑफ के पास चला गया था, वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हताश हो गया, और तीसरा अटेम्प्ट मैंने दिया वहीं से दिया था, दिल्ली से ही अच्छा साकेत से रह गई, पर तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था। तो तीसरे अटेम्प्ट के बाद मेरे को यूं हो गया था कि यार एज हो रही है और हर महीने आप मतलब इस एज में बैठ के घर से पैसे नहीं ले सकते। आपको रिलेशन हुआ रहा है हाँ जो आप लास्ट अटेम्प्ट बता रहे जो हैं, मेरा हाँ 22 का लास्ट अटेम्प्ट था तो थर्ड अटेम्प्ट में आपको रिलेशन हो गया प्रीलिम्स देने के लिए। प्रीलिम्स, मैंने प्रीलिम्स दिया वो नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट आया नहीं हुआ। हाँ उसके बाद फिर मैं 3 महीने और तैयारी की, लेकिन मतलब उस टाइम तो उसने शिद्दत से आपको नहीं डाल दिया। उतनी शिद्दत से नहीं कर पाया था, बाकी फिर मतलब यूँ मन में हो गया था कि यार मतलब मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकता था मैंने दे दिया, बट अब मेरे को लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएगा तो ऐसे मतलब ऐसे रेस सीख गधे की रेस में मैं नहीं दौड़ सकता ज़्यादा देर तक, अच्छे, मतलब थोड़ा सा ऐसे निकल के अपना कुछ देखना चाहिए। मतलब आपने अदर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है 2022 लीड्स देने के बाद, है ना? तो आपने एक जर्नी शेयर किया 2022 लास्ट अटेम्प्ट आपका 2022 में ही था और अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर दिया है। तो आप उस टाइम आप मुझे ये बताओ कि एस्पिरेंट के माइंड में क्या चल रहा होता है, कि मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा था? आप तो देखो अपने उस टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल तो ये है कि आपने मतलब अपनी लाइफ का ना काफी प्रीशियस टाइम होता तो है, देखा जाए तो आपको 4 साल मतलब तीन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5 साल के आसपास अच्छा अच्छा यूपीएससी ने दे इन्वेस्ट कर दिया दिए। था आपने। हाँ और ये टाइम आपका सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है, ठीक है, मतलब यंग एज है, इस एज में आपको सक्सेसफुल भी होना है, करियर भी है, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और बाकी शादी भी है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो यही एक टाइम है कि इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ या फिर ऐसा है कि आप फंस जाओ किसी फंस जाओ। तो वो मतलब UPSC वाला लूप मेरे को लगा कि यार ये तो ऐसा चलता रहेगा। इट्स नॉट वर्थ हाँ वर्थ टू परसू वो हाँ राइट। मतलब मेरे को नहीं लगा उतना ज़्यादा बार, मतलब अच्छा है आप मतलब सिविल सर्विस जैसे वैसी तो कोई चीज़ है नहीं वैसी तो,
बट मतलब ऐसे अंधे होके आप नहीं लग सकते उसमें। या बाकी और भी ऐसे दुनिया चल रही है, ऐसे खाली सिविल सर्विस से नहीं चल रही, बाकी और भी दुनिया चल रही है। तो उसमें फिर मैंने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। तो मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लास के लिए भी फीस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी पैसा मतलब रहने का, बाहर रहने का भी 3 साल से, मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ पैसे का भी, टाइम का भी। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि आप हिम्मत करके घर पे कैसे बताओगे। कि मैं फेल हो गया, मेरे से फेल क्यों, तो हो ही गया, वो तो पता चल ही जाता है, लेकिन लेकिन मतलब आप गिव अप कर रहे हो या आज आप इसको परस्यू नहीं कर रहे आगे। मतलब क्योंकि ऐसा लगता है, मतलब पेरेंट्स को तो लगता ही है कि यार इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और दे दे, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। और उनको तो इस चीज़ को तकलीफ होती नहीं, वो तो बच्चे के लिए हमेशा करते ही हैं कि तेरे को तैयारी करनी है, तू कर, खर्चा तो हम दे ही रहे हैं। अच्छा, बट एक टाइम के बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि मतलब आपको मतलब अंदर से आपको आवाज आ गई थी कि आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू इट एंड हाँ आई मतलब एम, मेरे तो मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी है, खुद अच्छा, अपना कुछ करना है, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उससे पहले खुद की उठानी है। इवन आफ्टर यू डोंट, पेरेंटल प्रेशर नहीं था आपको वो नहीं, छोड़ने पेरेंटल का? प्रेशर नहीं था, बिल्कुल नहीं था, राइट? नो। तो ओके आशीष ब्रदर, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि आपने वो जो जर्नी छोड़ दी यूपीएससी वाली 2022 के कौन से मंथ में छोड़ी थी आपने? मैंने प्री दिया था जून में, या उसके बाद 3 महीने और वहीं पे रहा था मैं, उसके बाद 3 महीने बाद अगस्त में फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था। गुरुग्राम? हाँ, ओके, तो तो आप यहाँ पे, रेजिडेंस भी फिर गुड़गांव में ही हो बना, मतलब कर लिया था हमने। तो फिर अच्छा, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, यहाँ रह के फिर तो मतलब यूपीएससी से काफ़ी मतलब दूर आ गए थे वैसे, मन से भी और जगह से भी। तो या फिर यहाँ रह के कुछ मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू की। तो रियल इस्टेट में वैसे मतलब काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे 2005 में, वो अपना रियल इस्टेट का काम मतलब करते थे, आपके ग्रैंडफादर? हाँ, होम टाउन ओके, में। ओ अच्छा, तो मतलब जो प्रोग्रेस हमने मतलब मेरे को लगता था कि एक्चुअली फादर ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में थे, फादर जो थे वो भी बीएसएफ, बीएसएफ में थे, और दोनों अच्छी पोस्ट पे थे। बट उसके बाद भी जो प्रोग्रेस हमने मतलब ऐसे रियल इस्टेट में मतलब इन्वेस्ट करके, या फिर रियल इस्टेट की जो ऐसे ना प्रॉपर्टी की चर्निंग करके जो की, वो मुझे लगा कि यार वो बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि जो जॉब जॉब कर रहे हैं। से, हाँ, जॉब से क्योंकि जॉब तो ऐसा है कि आपको भूख मरने नहीं देगी, पर ऐसा है आगे बढ़ने नहीं देगी। अच्छा, आप ये मानते हो हाँ, जॉब को ये लेके? मतलब ओके, जॉब का लूप तो ऐसा ही है, आपको मतलब सिविल सर्वेंट का तो चलो रेपुटेशन अच्छा है, बट वैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हो तो जॉब में आप उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते जितना पर्सनल ऐसे अपना एंटरप्रेन्योर कुछ काम बिजनेस करके कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो आपका ये थॉट प्रोसेस था, मतलब वो मैंने क्या? देखा था, मतलब मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो प्रोग्रेस या जो मतलब हमने वेल्थ बनाई, वेल्थ क्रिएशन जो हाँ, आपने वेल्थ की, क्रिएशन जो हुई वो प्रॉपर्टी से हुई। हाँ, अच्छा, जॉब से तो खाली मैं जो महीने का खर्चा वो चल रहा है, बट जो वेल्थ क्रिएशन है वो प्रॉपर्टी से हुई। तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि दूसरा अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो वो प्रॉपर्टी रियल का। एस्टेट है, हाँ रियल एस्टेट है। तो अब ब्रदर, आप, मैं आपसे, पापा सॉरी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव को लेके है, कि मतलब जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के लूप में फंसे हुए हैं लोग, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग 12th लेवल का जॉब, क्लर्कल जॉब भरने के लिए मजबूर है लोग। आई डोंट नो कि मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो लोग का, तो इसलिए लोग भर रहे हैं 12th के, ग्रेजुएशन के बाद भी 10th लेवल का जॉब, 12th लेवल का जॉब भरता है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए पापा सॉरी पे अल्टरनेटिव दिखाना चाह, पापा सॉरी का मेन विजन ही यही है कि अल्टरनेटिव दिखाना अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपका रियल एस्टेट का जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो पापा सॉरी पे प्लीज शेयर कीजिए, राइट? तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले रियल एस्टेट को लेके, कि आपने रियल एस्टेट कौन से ईयर में और कौन से मंथ में आप सोच रहे थे कि रियल एस्टेट में आना चाहिए, मतलब? देखो, जैसे ही मैंने यूपीएससी स्किप कर दिया था, उसके बाद लगभग मैं बैठा 6 महीने घर, मतलब मैंने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। उसके बाद रियल इस्टेट से पहले मैंने एक काम और भी किया था अपना, अच्छा, मैंने कैसे मतलब मेरे को था कि फूड ट्रक, फूड ट्रक वाला, हाँ, फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता था ऐसे, मतलब फैसिनेटिंग लगता था अच्छा, मेरे को, था अपना कुछ काम करना है। तो मैंने एक फूड ट्रक बनवाया, काफ़ी अच्छा बनवाया, और वो मतलब ऑपरेशनल किया हमने, लगभग 6 महीने चलाया था उस काम को। धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए थे, बट उसमें वैसा नहीं था जैसा हमने सोच के शुरू किया था, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। नहीं यार थे, राइट? हाँ, अच्छा, तो उसके बाद मतलब 6 महीने बाद एक्चुअली उसमें मतलब लॉस था उसमें भी, फिर मतलब डेली महीने का मंथली घर से जो लग रहे थे लगभग 50,000 रुपये के आसपास, हैं हाँ, फूड ट्रक में? फूड ट्रक में। अच्छा, तो और मतलब थोड़े से दिक्कत है एक्चुअली, मतलब जो
कस्टमर हैंडलिंग है वो भी मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, अच्छा, तो वो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ से। तो जो मतलब जो पे कॉस्ट हमने पे की उसके बदले जो एक्सपीरियंस मिला वो वर्थ इट था। वर्थ इट था, हाँ वर्थ इट था। तो वो जो बिजनेस फूड ट्रक का आपने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया था कि इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया। इंडिपेंडेंट हाँ स्टार्ट मैं एक्चुअली किया? फ्रेंड भी मेरे कह रहे थे कि हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, और बट नहीं मतलब मेरे को था कि अपना कुछ करना है आपने उससे। अच्छा, तो वो आपने 6 मंथ वो वाला काम वो किया? 6 मंथ किया मैंने, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर उसको शट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद 2 महीने फिर मैं घर बैठा, अच्छा फिर मैंने अपनी मतलब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की। अच्छा बट साथ साथ इंटरेस्ट था मेरे को रियल इस्टेट का। बट रियल इस्टेट में देखो एक ना मिसकॉन्सेप्शन है, खासकर हमारे हरियाणा में, तो या कि यहाँ पे रियल इस्टेट को ना काम को काम नहीं मानते हैं। ऐसा है हाँ मतलब आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो तो आपको लगता है ऐसा निठल्ला आदमी है, काम सोसाइटी नहीं कर रहा है ऐसा ऐसा। मतलब सोचते? हाँ यहाँ की जो नॉर्थ इंडिया की स्पेशली जो है अच्छा मेंटेलिटी लगती है रियल इस्टेट को लेकर। बट अच्छा मेरे को ऐसे मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी इसमें, और अंदर से मन भी था करने का, और मतलब पीछे का एक्सपीरियंस भी देखा तभी हुआ कि यार फाइनली रियल इस्टेट ही करना है। उसके बाद एक्चुअली फैमिली ने रजिस्टर किया इस काम के लिए। ए रियल एस्टेट वाले? हाँ मतलब ऐसा डायरेक्टली तो मना नहीं किया, बट उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा बताए बजाय उसके कि पॉजिटिव क्या है इसके, अच्छा, तो कि एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या बता रहे थे? अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस यही था, एक तो यार को काम को काम नहीं मानेगा। मतलब अच्छा यहाँ तो ऐसा है कि रियल इस्टेट वालों की शादी होना भी बड़ी मुश्किल है। हरियाणा में हाँ मतलब यहाँ लड़की देखने जाओगे तो ऐसे प्रॉपर्टी वालों को तो लड़की भी नहीं देते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा वाह, है कॉन्सेप्शन, हाँ, मिसकॉन्सेप्शन है तो इस चीज को लेके। अच्छा, एक कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर वन हाँ कॉन्सिक्वेंसेस बताया, राइट? तो सेकंड सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या बताया आपके फादर ने? कौन सी मतलब इसके ये हैं, एक तो जैसे कि मतलब गुड़गांव का जो मार्केट है वो तो हमारे लिए बिल्कुल रॉ है, अननोन है, अननोन अननोन। है, मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा और प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो टिकट साइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें आपको बिना एक्सपीरियंस के डील करना थोड़ा मुश्किल है, अच्छा तो टाइम लगेगा। बट मेरे को था कि मतलब अभी है मेरे पास टाइम एटलीस्ट 1-1.5 साल का, उतना मैं दे सकता हूँ इसमें, उसके बाद तो थोड़ा फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा लेनी ही पड़ेंगी, बट तब तक भी मैं अपना कुछ कर सकता हूँ इसमें। अच्छा तो अभी उसके बाद फिर मैंने लगभग पिछले 1.5 साल से प्रॉपर्टी का शुरू किया है आई रियल एस्टेट का, रियल इस्टेट का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट का बिजनेस आपका ये कहाँ पे है? और ये हमारा ऑफिस है इमराल्ड प्लाजा में, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 65 65 में, में, सेक्टर 65। तो आप मुझे बेनी स्टेट के नाम से। बेनी स्टेट करके आपका रियल एस्टेट है, राइट? तो ये बेनी स्टेट का जो रियल एस्टेट है, तो ये आपने इसका, मैं पहले सबसे पहले नाम ही पूछना चाहूंगा कि आपने बेनी स्टेट क्यों रखा नाम, मतलब इसके देखो पीछे क्या वैसे है? मेरा मतलब जैसे टाइटल है आशीष बेनीवाल, तो ओके मतलब जो फादर के दोस्त थे वो भी फादर को बेनी बेनी बोलते थे, और जो ओके मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे को ओके बेनी बोलते थे मतलब ओके शॉर्ट में, या तो उसी से फिर हमने रखा ऐसे कि बेनी बेनी स्टेट। बेनी बेनी स्टेट, हाँ राइट? इससे तो पहले जो फूड ट्रक था उसका नाम भी हमने से बेनीज कार्ट रखा मतलब था दोनों का नाम बेनी से बेनी स्टार्ट किया? से ही। अच्छा, काफी सही है, काफी सही। तो ब्रदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अभी कि जैसे आपने रियल एस्टेट का स्टार्ट किया, तो ये जो आपने ऑफिस लेने का जो आपका प्रोसीडियर था, आपने क्या स्टेप फॉलो किए ऑफिस बनाने के लिए, मतलब? देखो सबसे पहले तो ये है कि मतलब आप ऐसे सीधा आके कि मेरे को प्रॉपर्टी का काम करना है एक ऑफिस लिया और बैठ गए, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। इनिशियल मतलब एक हमारे नॉन थे उन्होंने रेफरेंस दिया, तो जैसे एक मतलब काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ पे, काफ़ी रिनाउंड है वो, ऑलमोस्ट 1986 से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा आपके नोन है वो? हाँ तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने काम सीखा पहले 6 महीना, उनसे काम सीख के उसके बाद फिर ऐसा मतलब जब यूँ कॉन्फिडेंस आ गया कि कि हम मैं कर आप सकता हाँ हूँ, हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने ये अपना ऑफिस सेटअप किया। मतलब आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए ऐसा किसी के आगे जॉब करनी पड़ेगी एक बार, तो आप जॉब डायरेक्टली कर नहीं घुस डायरेक्टली सकते, नहीं हो सकते। हाँ है ना? मतलब आपको एक्सपीरियंस या कुछ सीखने के लिए अंदर की चीज़ें जानने के लिए एक बार तो जॉब करनी पड़ेगी, और ये बेस्ट तरीका है सीखने का। है ना? जॉब जॉब में जॉब का इतना ही एक फ़ायदा है कि आपको सीखने के भी पैसे मिल रहे हैं, जब तक आपको ऐसा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ तब तक साथ में अगर कुछ थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल रही है तो सीखने के पैसे मिल रहे हैं आपको। जब अच्छा, तक आप जिस दिन आपको यूँ लगेगा कि यार अब मतलब मैंने सीख लिया या अब मेरे को नहीं सीखने को मिल रहा है, उस दिन से फिर छोड़ हमने दीजिए। हाँ फिर उस दिन से हमने अपना कर लिया। ये जानना चाह रहा था कि रियल एस्टेट, मुझे मेरा परसेप्शन तो ये था कि काफी सही बिजनेस लगता है मुझे ये, और तो मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से जानना चाहता कि कैसा लाइफ स्टाइल रहता है, मतलब रियल एस्टेट में, वो थोड़ा बताइए आप, मतलब।
बिल्कुल लाइफ स्टाइल के हिसाब से तो मैं खुद थोड़ा ऐसे पर्सनली बताऊँ अपना, तो थोड़ा आराम परस्त आदमी हूँ। आराम पर? हाँ, अच्छा, हालांकि मतलब मेरा मन करता है ऐसे आराम करने का, लेकिन फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आराम करना, तो स्ट्रगल जारी है। हाँ लेकिन मतलब ये लाइफ स्टाइल आपको बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टाइम मतलब अच्छी बात रियल इस्टेट की है कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो बेस्ट है, मतलब मॉर्निंग में 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, ओनली यही है बस। यही एक वर्किंग आवर्स है। मतलब ऐसे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग या आपको ऐसे स्ट्रेच करना है वैसा कुछ नहीं है इसमें। 6 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होगा आप मान लो आपका काम खत्म है। हाँ, खत्म है तो ये लाइफ स्टाइल आपको काफी पसंद ये आया? लाइफ स्टाइल काफी पसंद है। फिर इसमें ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हो तब तक थोड़ा आप प्रेशर में हो, बाकी रियल एस्टेट में ऐसा है कि यहाँ रातों रात कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आज आपको बीच में 1 दिन का गैप चाहिए, 2 दिन का गैप चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए तो आप 2 दिन कहीं जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो। मतलब ऐसा मतलब यूँ नहीं है कि 2 दिन अगर आपने स्किप किया तो कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता नुकसान हो जाएगा, मेजर चेंजेस आ जाएंगे। मतलब ये ऐसा स्लो एंड स्टडी है लेकिन ऐसा बड़ा है, मतलब आप धीरे 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 प्रोग्रेस मतलब कोशिश करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, फिर जो फाइनल जिस दिन डील होगी वो रिजल्ट जो आएगा वो आपको ऐसे काफ़ी बड़ा अमाउंट देकर जाएगा एक साथ में। हाँ है ना। तो आशीष ब्रो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एवरेज कोई बंदा हो या एस्पिरेंट ही हो, उसको रियल एस्टेट बिजनेस में आने के लिए कितना कैपिटल लगता होगा और कितना कैपिटल उसके पास होना चाहिए तभी उसको आना चाहिए? मतलब इस पर कैपिटल को लेकर बताइए कुछ। देखो, इसमें कैपिटल का तो ऐसा कुछ नहीं है। रियल एस्टेट में आना है तो एक तो आपका मन होना चाहिए अच्छा, और थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरा ऐसा है कि आपको ऐसे सर्दी गर्मी आप नहीं देख सकते, बाहर आपको जाना पड़ेगा, क्लाइंट विजिट है फिर वो है, आप सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी आपको जाना ही पड़ेगा। तीसरा ऐसा है कि इसमें आपको कैपिटल की एज सच इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मतलब मतलब कितना, मतलब कुछ तो चाहिए होगा। नहीं, आप देखो जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में कोई बंदा अपने घर पे रह के भी अपने आसपास मोहल्ले में भी अपने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देते हैं लोग। हर हाँ घर में ऐसे मान लो आप कोई डीलर बैठा ही है। अच्छा, हाँ, मतलब आप कोई बाहर से आ रहा है, आप मतलब मोस्टली ऐसे सब माइग्रेंट्स ही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, सबको अपने रहने के लिए घर चाहिए ही, तो आप किसी को रेंट पे दिलवा सकते हो। मतलब किसी का पड़ोसी है या फिर कोई आपके पड़ोस में ही है और वो फैमिली बाहर इसमें रह रही आपको है। कैपिटल की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं, मतलब इनिशियल आप इन्वेस्ट मतलब शुरू यहाँ से कर सकते हो, बाकी उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपको लगेगा कि यार मतलब मेरे को ऐसा एक अपना ऑफिस सेटअप होना चाहिए। चाहिए, हाँ तो ऑफिस सेटअप का ही आपका खर्चा है। मतलब जैसा आप ऑफिस देखोगे वैसा खर्चा है, बट जैसे कोई भी और आप बिजनेस शुरू करो तो उसमें आपको 5, 10, 15 लाख रुपए मतलब इनिशियल आपको, जैसे अगर कोई दुकान शुरू करते हो तो उसमें स्टॉक भरने के जैसे लिए, फूड ट्रक वाला आपने हाँ किया था। उसमें तो हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी पास में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका ज़्यादा रिस्क नहीं है, मतलब आपके घर से कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐसा है कि रेंट ऑफिस का जा रहा है खाली, और उतना ही हमको एक बार इनिशियल में कवर करना है। करना पड़ता है। हाँ, वो आप अपने हिसाब से जितना आपको वैसा लगता है कि मैं मैनेज कर पाऊंगा उसमें आप ले सकते हो। अच्छा, तो कैपिटल को लेकर आप ये, कैपिटल को लेके इसमें है कि आपको मतलब ऐसा बल्क में एक साथ कैपिटल नहीं चाहिए, मंथली आपको रेंटल है वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपना। तो आप मुझे ये बताइए कि रियल एस्टेट के लिए द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए, जो आपको अभी तक फील हुआ, आई थिंक आपको 1.5 साल हो गए शायद रियल एस्टेट में। हाँ, 1.5 साल हो गए। हाँ, तो आपको ऐसा 1.5 ईयर के एक्सपीरियंसेस के बाद ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल आपको लगा कि अगर किसी बंदे में हो तो ही विल अच्छे से रियल एस्टेट कर पाए? रियल इस्टेट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए 3 ही चीज़ें चाहिए, अच्छा, बी फर्म, बी पोलाइट एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, हाँ, मतलब अब शॉर्ट में। देखो चीज़ें मतलब दुनिया चल इसी चीज़ पे रही है कि सब अपना कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं। ओके, ठीक है, कोई है वो अपना किसी और से सामान लेके आ रहा है अपने पास रख के फिर बेच रहा है, इसमें आपको ऐसा है कि आपका कुछ नहीं है, किसी का सामान है, किसी को बेचना है। रियल एस्टेट भी ऐसा है क्या? हाँ, मतलब आप बायर कोई और है, सेलर कोई और है, आपकी खुद का कोई चीज़ नहीं है उसमें, ना खुद की प्रॉपर्टी है ना कुछ और है। ब्रोकरेज का अगर आप काम कर रहे हो तो किसी का सामान है, किसी को बेचना है, आप में अगर बेचने की कला है, और देखो बेचने वाले को बेचना है, खरीदने वाले को खरीदना ही है, खरीदने वाले को रिक्वायरमेंट है, बेचने वाले को अपनी बेचने की रिक्वायरमेंट है, आप अच्छा, बीच में एज ए मीडिएटर हो, दोनों पार्टी को मिला देते हो। मतलब कम्युनिकेशन स्किल का बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा सा ऐसे मतलब कन्विंस करना अच्छा, और कन्विंसिंग पावर होनी कन्विंसिंग चाहिए, पावर अगर आप में अच्छी है तो आराम से अच्छे से तो आप अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हो इसमें। रियल मतलब एस्टेट में। हाँ, थोड़ा पेशेंस चाहिए, वो आदमी मतलब पोलाइट रहे, पेशेंट रहे और कॉन्फिडेंट हो और फर्म हो, मतलब तो सही हो जाएगा तो उसमें। सही हो जाएगा। आशीष ब्रदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका ऑफिस है गुरुग्राम में, राइट, सेक्टर 65 में,
तो इस ऑफिस के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत पड़ी होगी, आपने कहाँ रजिस्टर किया अपना ऑफिस, कोई अथॉरिटी होगी नहीं गवर्नमेंट की, हाँ हाँ तो वो देखो, बताइए थोड़ा सा डिटेल में। डॉक्यूमेंटेशन का तो ऐसा है कि आपको ऑफिस अपना हो या फिर आप रेंट पे ले सकते हो, तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। उसके बाद दूसरा, आपको ऐसे सर्टिफाइड मतलब रेरा एजेंट बनना पड़ता है। रेरा एजेंट रेरा एक अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इंडियन की। गवर्नमेंट की, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा मतलब वो जो बिल्डर्स हैं और जो मतलब रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं सबको रेगुलराइज करते हैं वो। ओके, रेगुलेटर्स मतलब कोई इसमें, हैं। हाँ मतलब कोई नोटोरियस एक्टिविटीज ना हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो, तो वो आप मतलब वो सब उसको रेगुलराइज करते हैं। तो जैसे हर स्टेट की अलग बनी हुई है, जैसे हरियाणा की है तो हरेरा है, अच्छा हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे ओके ओके, महाराष्ट्र है तो एमरेरा महाराष्ट्र है, का हाँ रहेगा। महाराष्ट्र की है। तो ऐसे सबकी अलग अलग हैं। तो इन सबसे पहले तो आपको यही है कि ऑफिस का एड्रेस चाहिए। आप अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो अपने घर से कर सकते हो, या अच्छा जो आपका रेंटी डिपार्टमेंट है उसका भी रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। हाँ, उसके बाद दूसरा आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर का क्या प्रोसीड्यूर लेने का? जीएसटी नंबर बेसिकली तो सीए जो है वो अप्लाई कर देते हैं, अच्छा बाकी आप खुद भी जीएसटी की वेबसाइट पे जाके अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जीएसटी के लिए। अच्छा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा आपका कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या फील्ड है, कितना आपकी इनकम है इससे वो। तो और आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने एज ए इनकम क्या शो किया था? एज ए इनकम कुछ नहीं इनिशियल, तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत बतानी पड़ती है उसमें कि रियल अच्छा इस्टेट से क्या आपकी इनकम है, या फिर अच्छा प्रोजेक्टेड इनकम आपको क्या लगती है कितनी हो सकती है। अच्छा अच्छा ये सब बताना पड़ता है। हाँ मतलब ओके ओके आपको, और उसके बाद जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब रियल जिस आपका जैसे बेनी स्टेट है, तो बेनी स्टेट के नाम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, राइट? हाँ वो जैसे ही आपका मतलब रेंट एग्रीमेंट आपके पास होगा, मतलब एड्रेस प्रूफ होगा और जीएसटी नंबर आपके पास होगा, उस बेसिस पे आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा करंट अकाउंट खुल जाएगा मतलब बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ही बेसिकली नीड रहती है। अच्छा और करंट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपको फिर रेरा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो भी उनका ऑनलाइन वेब पोर्टल है, अच्छा वहाँ अच्छा से आप रजिस्ट्रेशन कर सेल्फ कर सकते सकते हैं। हैं? हाँ खुद कर सकते हैं, इसमें ऐसा अच्छा कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अच्छा अब थोड़ा सा रिसर्च करोगे ऑनलाइन, यूट्यूब वीडियोज भी मिल जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ओके ओके तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यू आप रजिस्टर करने के बाद आप एक सर्टिफाइड एजेंट हो, फिर उसके बाद आप मतलब प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। तो जैसे आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप जैसे को जैसे आपने लास्ट जो प्रॉपर्टी डील किया था, तो उस प्रॉपर्टी को आपने कैसे ढूंढा कि वो अवेलेबल है, और जो बायर था उसको कैसे ढूंढा? देखो बायर के लिए तो बेसिकली आप जो भी ऑनलाइन ऐप्स हैं आजकल, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर है, तो उनके पैकेजेस हैं, आप मतलब उनका पैकेज खरीद के उसके ऊपर अपनी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है जो सेल होने के लिए आई है उसकी फोटोज वीडियोज और उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ उन पर पोस्ट कर सकते हो। तो अच्छा मैजिक ब्रिक्स पे आके कोई बंदा अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहा है तो ऐसे फिल्टर लगा के वो प्रॉपर्टी सर्च करेगा तो या आपके ऑप्शन उसमें दिखा देगा। बायर के लिए? हाँ तो बायर तो वहाँ से जैसे वो प्रॉपर्टी देखेगा तो आपको वो लीड जनरेट हो जाती है, तो ओके बायर वहाँ से मिल जाता है। और जो सेलर्स हैं उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड काम करना पड़ता है ऑन ग्राउंड, बेसिकली। तो ऑन ग्राउंड। वैसे तो इधर उधर से जैसे रेफरेंस से चीज़ें पता चलती हैं, आप मार्केट में बैठोगे आसपास काम करोगे तो लोग जानने लगेंगे, तो आपको खुद से आके बताने लगेंगे कि हमारी अच्छा कोई प्रॉपर्टी हम सेल करना चाह रहे हैं। और वैसे जो मेन है वो आप ऐसे कि ऑन ग्राउंड जाके आप जैसे नियर बाई सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे कभी पैदल भी जाते हैं कभी गाड़ी से जाके आसपास लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ से पता चलता है ऐसे कि कौन सी प्रॉपर्टी सेल के लिए है। अच्छा अवेलेबल है। हाँ तो वो हाँ आपको जो प्रॉपर्टी मतलब निकालनी है सेल के लिए वो आपको ऑन ग्राउंड जाके काम करना पड़ेगा, अच्छा कस्टमर जो है आपको बायर है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ओके, काफी सही बताया आपने। तो यस गाइस, ऑन पापा सॉरी, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हुए। आशीष ब्रो, वेलकम टू रैपिड फायर राउंड ऑन पापा सॉरी। थैंक यू भाई। मेरा रैपिड फायर का सबसे पहले क्वेश्चन ये हुआ कि ओवरऑल में आप कब गए थे? वारन में मैं गया था 2019 में मई में। मैं मिल गए थे। तो आशीष ब्रो, मेरा रैपिड फायर का सेकंड क्वेश्चन ये हुआ कि आपने जब कोचिंग गए थे आप, तो आपने ऐसा फीमेल फ्रेंड का नाम याद है आपको जिससे आपने पहली बार बात किया हो? क्लास में सबसे पहले मैं जिससे मिला था फीमेल फ्रेंड जो थी वो सोमोना, सुनो। सोमोना चैटर्जी। ओके ओके, एंड कोई मेल 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 जो फ्रेंड मेरे को सबसे पहले मिला वो था हिमांशु, वो मेरा हिमांश पीजी का ही फ्रेंड था, पीजी का ही फ्रेंड था, वो राइट? क्लासमेट भी था। ओके ओके, कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बना था यूपीएससी के दौरान, जैसे आपने 3 साल यूपीएससी चार दौरान दो मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे थे जो आज भी टच में हैं,
एक तो महाराष्ट्र से थे लादे दत्ता, अच्छा और एक जो हिमांशु है वो भिवानी से ही है। भिवानी से ही है। ओके ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि फ्रेंड का कितना रोल रहता है यूपीएससी के दौरान, जैसे आपको कुछ मतलब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप तो ऐसा है कि फ्रेंड ही आपका मान लो मतलब दूसरा सबसे अच्छा साथी वही है। एक तो आप सबसे पहले अपने आप को दो, हाँ उसके बाद दूसरा आपका वही है, क्योंकि एक तो आप फैमिली से दूर हो तो मतलब फ्रेंड ही आपकी फैमिली है, अच्छा और दूसरा जब जिस लाइन में आप आए हो उसमें ऐसा है कि आपको मतलब फ्रेंड ही है जो गाइड कर सकता है, आपका रूटीन सही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और तो आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो कि सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप टेस्ट सीरीज का कितना रोल मानते हो, प्रीलिम्स स्टेज पे, मेंस स्टेज पे, यूपीएससी के दौरान कितना इम्पोर्टेंस है उसका? देखो, टेस्ट सीरीज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, एक तो यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, ओके उसके बाद जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे मतलब खुद अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही राह पे होगे नहीं। मतलब टेस्ट आपका एक आईना है, आपको दिखा देता है कि आप क्या कर क्या रहे क्या हो, आपकी हाँ डायरेक्शन आपकी सही डायरेक्शन है? कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है। ओवर ओके, एंड में आने से कोई बेनिफिट आपको लगा कि मैं बिना ओवर एंड का भी यूपीएससी का तैयारी कर सकता था, या मतलब जो हब है यूपीएससी का वहां जाना जरूरी है क्या एस्पिरेंट के लिए? नहीं एस्पिरेंट के लिए एक बार तो देखो, ये तो यूँ मान लो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मक्का मदीना ही है। ओके एक बार आप यहाँ आओगे, माहौल देखोगे, तो आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो यहाँ की रियलाइजेशन होगी कंपटीशन, क्योंकि अच्छा घर रह के आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपका कंपटीशन किससे है। तो जो यहाँ के आप लोग देखोगे कि कितने लोग हैं, किससे मेरा कंपटीशन है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से किस टाइप के लोग आ रहे मतलब हैं, हर बंदे हर हर बंदे से, तो एक तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा, दूसरा आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, वहां क्योंकि पे। आप मतलब या तो एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आप ऐसा है कि आप पूरे इंडिया का भ्रमण कर सकते हो, या फिर एक ऐसा ये है कि यहाँ पे आप ऐसे मतलब ऑल ओवर हर इंडिया स्टेट से के हर स्टेट के लोग से मिलके बातचीत कर सकते हो। हब में आने से ये आपको बेनिफिट लेगा, इसका कोई डिसएडवांटेज भी लगा क्या? डिसएडवांटेज ये है कि आप अकेले रहते हो घर से दूर, खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा हाँ, तो मतलब मोस्टली सबका यही होता है, जो शुरू में यूपीएससी एस्पिरेंट आता है घर से दूर, तो शुरू में एक बार सबको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको तबीयत में थोड़ी दिक्कत रहती है, फिर तो थोड़ा आदी हो जाते हैं, बट इनिशियल डेज में आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो ब्रदर आप जैसे आपको यूपीएससी के दौरान आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी होता होगा, तो आप वो सबको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते थे, मतलब स्ट्रेस देखो, को? स्ट्रेस का ओवरकम करने के लिए मतलब दोस्त ही एक आपका सहारा है, क्योंकि आप सारी चीजें जो है फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, बट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, तो आपका मतलब इमोशनल बैगेज आप एक दूसरे को दे सकते सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सा है यूपीएससी की जर्नी का, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू स्टेज कौन हो। सा? नहीं, सबसे डिफिकल्ट तो आपका प्रीलिम्स ही है, क्योंकि ओके मतलब मोस्टली जो आउट है आप मतलब मैदान से बाहर वहीं से हो जाओगे। है ना। हाँ, तो क्यों, जैसे ही आप मेंस में जाओगे तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, हालांकि वो फाइन लोगों के साथ रहेगा, बट फिर भी इसका अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप भी उनमें से एक हो, बट पहले आप तो उस भीड़ में से ही एक हो। रोल ऑफ PYQ कितना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी के, उसका कितना रोल होता है मतलब? देखो, अब तो पिछले जो पैटर्न चल रहा है काफी सालों से, यूपीएससी काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बट और कोई जरिया है नहीं, तो PYQ ही से हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि हम पिछला क्या पैटर्न चल रहा कुछ है उसको थोड़ा सा माइंडसेट ऑब्जर्व करें। हाँ, पर मतलब जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, अब तो काफी मतलब हर साल अनप्रिडिक्टेबल हो गया यूपीएससी। आपसे ये पूछ रहा था कि यूपीएससी के दौरान जब हब में थे तो आप रूम में पढ़ते थे कि लाइब्रेरी जाते थे? इनिशियल डेज में 3 महीने मैं रूम में पढ़ा, बट मैंने आपको जैसे बताया था कि बेड तो आपका दुश्मन है, तो उस वजह से उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो लाइब्रेरी में अच्छा था कि सिटिंग की आपको हैबिट हो जाती है, तो उसके बाद फिर मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखती थी। एक ओपिनियन लेना चाह रहा था कि जैसे वेब सीरीज है ना, वेब सीरीज एस्पिरेंट 1 और एस्पिरेंट 2 है, अभी ये 12th फेल आ रखा है राइट, तो आप मुझे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था कि ये जो वेब सीरीज है इनका कितना बड़ा रोल होता है, एक एवरेज स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है अभी स्टूडेंट है, उनको देखो, इन्फ्लुएंस करने में कितना आपको लगता है कि ये वेब सीरीज इन्फ्लुएंस कर पाती ये एक लिमिट तक कर सकती हैं है? अच्छा इन्फ्लुएंस, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हैं, बट ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आप इसे मोटिवेट नहीं हो सकते। बट जो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को पर्सनली लगता है कि ये एजेंडा है जो कोचिंग क्लासेस चला रही होनी का ही, क्योंकि अच्छा आप जो भी देखोगे हर वेब सीरीज को किसी किसी कोचिंग क्लास में स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉन्सर्ड कोचिंग, है, या तो उनका है ऐसा कि उनको अपना बिजनेस चलाना है, उसके लिए ये तो उनका कस्टमर एक्विजिशन का एक तरीका है, अच्छा क्योंकि जो
करना चाहेगा या जिसको इंटरेस्ट होगा या कहीं से सेल्फ मोटिवेशन आएगी, वो तो खुद ही अपने आप आके कर लेगा। उसको वेब सीरीज से मोटिवेट होने की या उसको देख के मतलब प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आशीष ब्रदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीएफ, जैसे कोई गर्ल है उसके लिए बॉयफ्रेंड एंड बॉय के लिए गर्लफ्रेंड, इनका क्या मतलब डिस्ट्रैक्शन के तरह काम करता है कि नहीं यूपीएससी के दौरान, मतलब प्रिपरेशन के दौरान? देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है वो मतलब ये रिलेशनशिप जो भी कोई भी चीज़ है, आप यहाँ आके नया रिलेशन बनाओगे तो उसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो देना पड़ता है टाइम। जो आपके और पास है नहीं, हाँ, वो आपके पास है नहीं, मतलब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना या है। तो स्टडी में कर लो ये या स्टडी कर लो या उस पर कर लो। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा कि आप दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हो एक साथ, तो लाजमी है कि आप दोनों में हार जाओ। तो आशीष ब्रो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये आप टॉप 3 लर्निंग्स आपकी अपनी यूपीएससी जर्नी से क्या देना चाहोगे एस्पिरेंट के लिए, मतलब टॉप 3 लर्निंग्स, नंबर वन देखो, क्या है? टॉप 3 लर्निंग में नंबर वन तो ये है कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपने तैयारी की है हाँ तो आप मे भी सिविल सर्वेंट हो या नहीं हो, बट एक बेहतर इंसान जरूर हो आप। मतलब प्रिपरेशन करके जो नॉलेज आपको मिलेगी उससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और दूसरा जो है, आपको मतलब आसपास अपने सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में अवेयरली, क्या है, आप अवेयर रहोगे करंट अफेयर से, तो आप अप टू डेट रहोगे। मतलब इट्स अ गुड हैबिट। हाँ इट्स अ गुड हैबिट, मतलब आपको यहाँ से हैबिट लग जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आपका आप मान लीजिए जीवन मतलब सफल हो सकता है अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो। थर्ड लर्निंग ये है कि आपको मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। मतलब आपको इसमें लाइफ में काफ़ी ऐसे स्टेजेस आएंगे जब आपको ऐसे काफ़ी हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या हैं वो भी आप ही को फेस करने पड़ेंगे, तो आप इससे एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो आशीष ब्रदर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई एस्पिरेंट सोच रहा है कि मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना है, तो उसको खुद से 3 क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए कि मतलब राइट अप्रोच के, मतलब कि इंटरेस्ट उसका है कि नहीं, तो उसको 3 क्वेश्चन उससे अपने आप से क्या पूछना चाहिए यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले, मतलब कूदने से पहले यूपीएससी जर्नी में? देखो, यूपीएससी में कूदने से पहले सबसे पहले तो आपका मतलब मेन चीज़ है कि आप मोटिवेशन, मतलब आपकी मोटिवेशन क्या है यूपीएससी करने की, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है। मतलब पेरेंटल प्रेशर की वजह से तो नहीं है? हाँ, मतलब आप अगर सेल्फ आपको मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको लगता है कि मुझे करना है तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। है ना, क्वेश्चन आप ये पूछना चाहिए अपने हाँ, मतलब खुद पहले से। अपने आप से ऐसे मतलब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तो खुद आपको पता होगा कि मुझे किस कारण से ये करना है। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए एस्पिरेंट को? दूसरा ये है कि आपके पास टाइम कितना है और आप टाइम कितना दे सकते हो। ये अच्छा, आपको मतलब जिस दिन आप पहले दिन से जब तैयारी करने के लिए आओगे या आप तैयारी करना शुरू करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना टाइम मैं दूंगा। मतलब आप मतलब दो ये साल 3 साल 4 साल, अटेम्प्ट्स आप की बात अटेम्प्ट्स करें। की बात है या फिर मतलब अटेम्प्ट्स ही है मेनली, तो आपको मन में पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा। क्योंकि अच्छा, मतलब एक बार आप आओगे लूप में फंस जाओगे, फिर एक अटेम्प्ट फिर एक अटेम्प्ट फिर एक अटेम्प्ट, तो वो चक्री से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और जब आप निकलोगे तो मेनली तो मोस्टली यही होता है कि सब लोग ग्रेजुएशन करके ही प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, तो उसके बाद जो आपका सबसे प्रीशियस टाइम है लाइफ का, जब आप कुछ कर सकते थे या मतलब कुछ बन सकते थे, वो टाइम आप इसने दे दिया और मे भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ये इसमें फिर कोई वापिस जाने की जर्नी नहीं है है ना। आप। तो आगे फिर आपकी आप मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, तो जर्नी थोड़ी स्ट्रगलफुल होने ही वाली है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए एस्पिरेंट को थर्ड जब? ये है कि आप मतलब एक तो थोड़ा सा फाइनेंसेस आप कितना मैनेज कर सकते हैं, फैमिली फाइनेंसेस, फैमिली फाइनेंसेस, क्योंकि मतलब घर से आप बैठ के नहीं पता चलता, जब ऑन ग्राउंड आते हैं तो एक टाइम के बाद आपको जो है फैमिली फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होने लगती है, वही प्रेशर देने लगते वो जो पहले प्रेशर देने सपोर्ट लगती है, करते जो थे ना। पहले सपोर्ट था वो आपका फिर आप बर्डन बन जाएगा, आप खुद अपने आप को ऐसे बर्डन लगने लगोगे। तो उस टाइम आपको आप मतलब अगर यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो और घर से बाहर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट अपना जितना टाइम आपने सोचा है कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, उस टाइम का आप फाइनेंसिस कैसे ना कैसे मैनेज करके आइए। अच्छा, तो गाइस पापा सॉरी पे, मैं अपने गेस्ट से लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ गाइस। तो आशीष ब्रो, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि एस्पिरेंट को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? देखो, कोचिंग ज्वाइन करने से मतलब आपके अगर बचपन से आप अच्छे हो पढ़ाई में या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको कोचिंग में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मतलब लाइफ लाइन ही है यूपीएससी की, तो एनसीईआरटी लाइफ लाइन ही है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट गाइडेंस चाहिए होगी। एक पढ़ना फिर भी सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है, बट एक गाइडेंस चाहिए होगी, तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, तो आशीष ब्रदर, आपने जो भी रैपिड फायर में आंसर्स दिए वो काफ़ी सही था और काफ़ी रियल एंड जेन्युइन
आंसर्स आपने दिए, मैं काफी सेटिस्फाइड था आपके रैपिड फायर के आंसर से। जी तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था आशीष ब्रदर की मजा आ गया आपसे बात करके। तो आशीष ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी दिल से, क्योंकि आपने जो भी जर्नी शेयर किया यूपीएससी एस्पिरेंट वाली और आपने रियल इस्टेट का जो अल्टरनेटिव दिखाया पापा सॉरी पे वो काफी सही था और काफी जेन्युइन बताया आपने, दोनों जर्नी को काफी जेन्युइनली कवर किया आपने पापा सॉरी पे, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा ब्रदर। इट्स माई प्लेजर ऑल्सो हरिंदर भाई, मतलब हम एक साथ ऑन बोर्ड हुए, आपसे बात करके पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और जो आप नोबल कॉज कर रहे हैं सबसे अच्छा तो वो है, मतलब इनिशिएटिव मुझे आपने जब अप्रोच किया तो सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि आप जो ऐसे, मतलब एक एस्पिरेंट की लाइफ में प्रॉब्लम है कि आगे क्या करना है, क्योंकि तैयारी के लिए तो सब बता देंगे तैयारी करो, उसके बाद आगे का जो आप नोबल कॉज कर रहे हैं, नेटिव जो दे रहे हैं और जो लोगों को मतलब पर्सनल इंटरेक्शन से रॉ एक्सपीरियंस मिल रहा है जो अनफिल्टर्ड है, तो वो काफ़ी अच्छा है। एस्पिरेंट को भी हेल्प करेगा, मतलब उनको जर्नी अपने डिसाइड करने में, और अच्छी तो चीज़ें सब बता देते हैं बट कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो तो वही बता पाएगा जो मतलब जिसने फेस किया होगा। जी तो जो है आपका इनिशिएटिव है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू थैंक यू।